शहरियों के लिए है अच्छी खबर, पार्कों में एंट्री फीस अब नहीं लगेगी। पीएचए के वाइस चेयरमैन हाफिज जिशान रशीद और डीजी फैसल जहूर के दरमियान मुलाकात में फैसला हुआ है। पार्किंग स्टैंड्स को भी लाहौर पार्किंग कंपनी से वापस लेने का फैसला किया गया है। इस अहम फैसले के हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे, शेख जैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेख जैन जी, जब से नई हुकूमत आई है तब से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि पार्कों पर भी एंट्री फीस लगाई जाएगी। ताहम आज इस सिलसिले में वाइस चेयरमैन पीएचए हाफिज जिशान रशीद और डायरेक्टर जनरल पीएचए डॉक्टर फैसल जहूर के दरमियान ये मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में इस अमर के ऊपर फैसला किया गया है कि पार्किंग में किसी भी पार्क में दाखिले पर अब किसी किस्म की कोई टिकट नहीं लगाई जाएगी और इस तरह ये अफवाहें भी दम तोड़ गई हैं। ताहम इस मुलाकात में ये अहम फैसला किया गया है कि जो 6 बड़े पार्क हैं उनके ठेके लाहौर पार्किंग कंपनी को दिए गए थे कि वहाँ पार्किंग की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अब इस मुलाकात में ये फैसला किया गया है कि ये पार्किंग स्टैंड लाहौर पार्किंग कंपनी से वापस लिए जाएं और इन पार्किंग स्टैंड को चलाने की जिम्मेदारी भी पीएचए को सौंपी जाए और इससे जो रेवेन्यू हासिल होगा वो पीएचए के अकाउंट्स में जाएगा। ताहम ये फैसले के बाद अब इस चीज की बाकायदा मंजूरी जो पीएचए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास होगा उससे ली जाएगी। इसके अलावा मुलाकात में मजीद जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई और क्योंकि गुज़िश्ता 3 माह से जो वर्क चार्ज मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहों में तखीर हो रही थी और तो अब इस मुलाकात में ये भी फैसला किया गया है कि जो पीएचए के रेगुलर मुलाजमीन हैं उनको हर माह की 25 तारीख को जबकि वर्क चार्ज मुलाजमीन को यकम तारीख को तनख्वाहों की अदायगियाँ की जाएंगी। शुक्रिया शेख जैन, आपने तफसीलात से आगाह किया।